अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। जलपल्ली इलाके में आवाम को सहूलत देने के लिए और उनको राशन देने के लिए कुछ लीडर सामने आए और गरीब लोगों में अनाज तकसीम की। एम अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद हुसैन वादे मुस्तफ़ा, जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के एरिया टीआरएस प्रेसिडेंट। ये देश भर में जो कोरोना वायरस जो है हमारे यहाँ पे चल रहा है देश भर में, इसको देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 21 डेज का लॉकडाउन किया है, इससे जो है तकरीबन गरीब लोग जैसे लेबर लोग जैसा जो डेली के खाना पीना उनका जो है कमा के लाए तो ही खाना पीना है, वैसे लोगों को देखते हुए हमारे वार्ड नंबर 21 के काउंसलर शेख अफजल साहब, शेख साले बावजीड साहब और हमारी टीम ने मिलकर जो है ये तकरीबन गरीब लोगों में खाने पीने के अशिया राशन किट बांटे हैं। और हम अहले खैर जो है लोग होते हैं और कितने आदमी को बांटे हैं, तकरीबन 200 लोगों तक हम लोगों ने खाने की अशिया चीज़ें पूरा राशन की किट दी है, घरे घर जाकर दिए हैं हम लोग। और हमारे तकरीबन जो अहले खैर जो लोग हैं हजरात, उन लोग भी अगर अपने घर से चार चार पांच पांच लोगों का भी अगर हो सकता है अगर दे दे तो इसमें जो है गरीब लोगों का भला हो सकता है। और आप तमाम लोगों से भी ये हमारी अदबजन एक गुजारिश है कि तकरीबन लोग मैं देख रहा हूँ कि ये कोरोना वायरस को एकदम लाइट ले रहे हैं, एकदम मजाक में ले रहे हैं। ये एक सीरियस बीमारी है, अगर हमारे घर में किसी को भी एक जनों को अफराद को तो इसका क्या है मामला हमको मालूम होगा ना, हम जो है जनाजे की नमाज की रहेंगे ना, हम जो है तदफीन भी हमारी नहीं होंगी, कहाँ हम आपको लेके जाके क्या करने वाले हमको नहीं मालूम। तो ये बीमारी को जो है आप लोग ज़रा गौर फिक्र करें, इससे जो है जैसा कि जो है यहाँ के जो नौजवान लोग हैं, मैं उन लोगों को भी मैं ये कहूँगा कि वो अपने घरों पर ही रहे ताकि बाद में कुछ जो है पुलिस वाले आकर उनका काम तो उन्हों बराबर कर रहे हैं, इसको देखते हुए फिर जो है तकरीबन लोग घर के बाहर निकलना नाजायज़, जिसको काम नहीं है कुछ नहीं उनकी तरफ से, जिसको काम है हॉस्पिटल जाना है वैसे लोगों को भी जो है प्रॉब्लम हो रहा, तो आप लोग घर में ही ज़्यादातर इससे रहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मैं वाले मुस्तफ़ा सैयद अल्ताफ, सोशल वर्कर, जलपल्ली म्यूनसिपल 21 वार्ड के शेख अफजल साहब, नुमाइंदा काउंसलर और शेख साले बावजीद जो वादे मुस्तफ़ा में मुस्तैक लोग थे, जो 21 देश बन है मुल्क बराबर इंडिया बन है, जिसमें लोग डेली करके खाने वाले लोग जो घर में बैठे रहे, जिसका राशन पानी बिल्कुल बन है, खाने को खाना नहीं ऐसे लोगों का, तो कई लोग आके हमसे मिलकर बोले और हमारे शेख साले बावजी साहब और नुमाइंदा मास्टर शेख साले और शेख अफजल भाई, उन्होंने राशन किट तकसीम किया घर घर जाके। और ये बोलना मीडिया में डालना सही नहीं है किसी को भी राशन दे के, मगर बोलना ये मुनासिब मैं समझ रहा हूँ कि हमको देखकर भी लोग अपने अपने घरों से निकल कर, कोई भी मालदार में है बच्चे अलहमदिल्ला, उन्होंने भी अपने अपने आजू बाजू पड़ोसियों का ख्याल करें और ऐसे कई मुस्तैक लोग हैं उनके भी घरों में राशन पहुंचाइए। और हमारे मीडिया भाइयों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्होंने पूरा मीडिया पूरा इंडिया बंद रहने के बावजूद भी आवाम के दरमियान में रहकर हमारी आवाज़ जैसे प्राइम मिनिस्टर कन पहुंचा रहे, तेलंगाना हुकूमत के सीआर साहब कन पहुंचा रहे, उन्होंने भी अपनी जान कुर्बान करके आवाम के दरमियान में रह रहे जितनी तकलीफ रही। तो और मैं हमीद भाई का खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ जो आवाम के दरमियान में रहकर उन्होंने काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको सेहत आफियत से रखे। और हमारे शेख साले बावजीद और शेख अफजल भाई को भी अल्लाह सेहत आफियत से रखे, उनकी कायमाई में बरकत दे जो आवाम के दरमियान में हमेशा रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट वादे मुस्तफ़ा में जो उन्होंने बांटे हैं कल और परसों भी बांटे अल्हम्दुलिल्लाह, कई लोग मुझसे लोगों को बांटे अल्लाह के फजलो करम से, उनको देख कर लोग बांटने की कोशिश करेंगे आज कल में कभी भी इंशाल्लाह। हमारी दुआ है कि हर कोई बांटे बस्ती का मुस्तैक आदमी जो भी है दूसरी बस्ती में जाके हाथ नहीं फैलाए, अपनी बस्ती का आदमी की मदद अपने अगर लोग करें तो बड़ी मेहरबानी होंगी आप लोगों की। सलाम।